तो गाइज़ मेरा नाम दिलशाद खान है और आप देख रहे हैं टी के आर टूम चैनल। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन है उसे भी दबा। तो गाइज आज की इस वीडियो हम बनाने वाले हैं थर्माकोल से कावा शरीफ। फ्रेंड्स हमने चार थर्माकोल एक ही साइज़ के कट कर लिए हैं और फ्रेंड्स हमें एक चौकोर थर्माकोल ऊपर की साइड से लगाने के लिए कट कर लेना है। फ्रेंड्स हम इस पे लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स चौकोर हमने बिल्कुल बराबर का कट करना है। आई लाइन फ्रेंड्स हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। इसको भी फ्रेंड्स कट कर लेंगे। तो अभी हमने कट कर लिया, अब चारों साइड्स में ही जोड़ देंगे फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स हमें थोड़ा काट लेना ताकि बराबर का साई रहे चारों साइड से। तो फ्रेंड्स अभी इसको चिपका लेते हैं। देख ग्लू की मदद से इसे चिपका लेना हमें। फ्रेंड्स में फेवक्यू वगैरह नहीं लगाना वरना ये थर्माकोल जल जाएगा उससे। फ्रेंड्स अब इसमें हम थर्माकोल जोड़ देंगे। तीसरे वाले को चौथे वाले को फ्रेंड्स इस तरीके से चिपका लेना हमें। ये चिपका लिया हमने। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स ये ब्लैक जो ठोस वाला थर्माकोल होता है वो है फ्रेंड्स, ये 10 रुपये का आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसको चिपका लेंगे इसके ऊपर। इसे ही फ्रेंड्स ग्लू की मदद से चिपकाना हमें। चारों साइड से चिपकाना हमें। ये चिपका लिया अभी। फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर की पट्टियाँ बना लेनी है। ऊपर को थोड़ा ओवल निकला वो होता है ऐसे। तो अभी इसको कट कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स ये हमें चार बनाना है ताकि चारों साइड से लग जाइए। और इस पर फ्रेंड्स हम थर्माकोल लगा देंगे। तो अभी थर्माकोल लगा ले रहे हैं इसको। बाकी एक्स्ट्रा जो है फ्रेंड्स से कट कर लेंगे। बाकी इसके ऊपर से भी हमें थोड़ा थर्माकोल लगा देना है। ऊपर वाली पट्टी जो है उस पर लगा लेना है। ये फ्रेंड्स लगा दिया हमने। कोने से कोने मिल जाए फ्रेंड्स इसके। बीच में फ्रेंड्स इसमें गैप नहीं दिखना चाहिए वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अभी इसको ऊपर चिपका देंगे। देखिए फिर इस तरीके से हम इसमें चिपका देंगे। ये चारों पेज हमने चिपका लिए हैं। तो फ्रेंड्स हमें एक गोल्डन कलर का थर्माकोल ले लेना है। इसके हमने फ्रेंड्स पट्टी या काट कट कर लेना है चारों साइड से। इसे हम लगा देंगे। ये फ्रेंड्स हम ग्लू को मदद से लगा दे रहे हैं इसे। इस तरीके से हमें लगा लेना है ये चारों। ये हमने लगा दिया इसे। एक्स्ट्रा जो है इसे कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमें कॉर्नर पे फ्रेंड्स मोड़ना नहीं है, इसको कट करके ही लगाना है वरना इसके कॉर्नर जो गोल हो जाएंगे। सारे पीस चिपका लिए हमने। और इसमें फ्रेंड्स ये हम इसमें छोटे छोटे पीस कट करके लगा देंगे। इससे छोटे फ्रेंड्स हमें कट कर देना है इस तरीके से। तो अभी लगा देते हैं इसमें। तो अभी हमने ढेर सारे पीस कट कर लिए हैं। अब इसको चिपका देंगे। ये ग्लू को मदद से चिपका ले रहे हैं अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स एक बड़ा एक छोटा हमें लगाना है। छोटा वाला जो है उसको
ट्रायंगल की टाइप में हमें मोड़कर लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। ये भी हमें चिपका लेंगे, दूसरी साइड से चिपका लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने दरवाजा बना लिया है, इसे भी हम इसमें लगा देंगे। अब इसको फ्रेंड्स इसमें लगा ले रहे हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप से हमें लगा लेना है इसमें। और फ्रेंड्स ये हमने पट्टी काटनी है इसकी, इसको इसके कॉर्नर की साइड में हम लगा देंगे। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स हमें लगा लेना है, ये फ्रेंड दूसरी साइड से भी ऐसे लगा देंगे और ऊपर से लगा लेना है, इस तरीके से लगा लेंगे ऊपर भी लगा लेंगे। फ्रेंड्स एक पीस से लगा देंगे दरवाजे की साइड से, फ्रेंड्स ऊपर की साइड से हम लगा लेंगे इसमें थर्माकोल। फ्रेंड्स हमें लगा लेना इसमें, आप चाहें तो इसमें कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने सिल्वर कलर का लिया है, ये अच्छा लगता है। फ्रेंड्स इसकी मीनार बना लेंगे, थर्माकोल ले लिया फ्रेंड्स हमने, इसको आपस में चिपका लेंगे एक ही साइज के हैं चारों। लग चुके हैं फिर, अब इसके ऊपर का साइज हमें बना लेना है। इस तरीके से हमें कट कर लेना है, ये कॉर्नर पे देख लेना फ्रेंड कि बराबर का है या फिर नहीं। तो ये बराबर का हमने काट लिया है, फिर फ्रेंड हमने चिपका लिया है इसको थोड़ा, फिर अच्छा कट कर देंगे कटर की मदद से। फ्रेंड इसे कट कर दे रहे हैं, कट कर दिया है इधर। फ्रेंड्स थर्माकोल के पट्टी जो होती है चौड़ी, उसे लगा देंगे। अब इसको फ्रेंड्स कॉर्नर के टाइप में कट कर लेना है बिल्कुल मिलाकर। एक्स्ट्रा जो थर्माकोल है फ्रेंड्स, उसे भी हम कॉर्नर के साइज में कट कर लेंगे। देखिए गाइस इसे भी हमें ऐसे चिपका लेना है। तो अब ये सारे पीस चिपक चुके हैं, ये फ्रेंड्स हमने थर्माकोल कट कर लिया। अब हमें एक पेपर लेना है, उस पर चिपका लेंगे वरना ये ऐसे चिपक नहीं पाएंगे। अभी हमने चिपका लिए, अब इसको फोल्ड कर देंगे, फिर आपस में इसको जोड़ लेंगे, दूसरा पेपर इसमें जोड़ लेना है पहले। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसे चिपका ले रहे हैं। जो है ऊपर वाला और नीचे वाला इसे कट कर लेंगे। ठीक है, इसको ऊपर फ्रेंड्स हमें चिपका लेना है, ये ग्लू की मदद से इसे चिपका लिया हमने। अब इसको ऊपर फ्रेंड्स इसी टाइप का हमें थर्माकोल कट करके लगाना है, पट्टी लगा दे रहे हैं थर्माकोल की। देखिए गाइस इस तरीके से हमें लगा देना है। ग्लू को जैसे से भी इसमें चिपका लेंगे। फ्रेंड्स ऊपर का हमने जो उसी नीचे वाले की तरह बनाया है, और उसके ऊपर हम एक गोल थर्माकोल कट करके लगा दे रहे हैं। ऊपर से फ्रेंड्स हमने कार्डबोर्ड का बनाया है, देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का हमें पीस कट करके लगा देना है। फ्रेंड्स हमारा मीनार बनकर तैयार हो चुका है, तो फ्रेंड्स पेपर चिपका लेंगे, एकदम हमें वाइट पेपर चिपका लेना। आप चाहें तो अपने हिसाब का कोई भी पेपर लगा सकते हैं, आपको जैसा कलर अच्छा लगता है आप वैसे कलर का लगा सकते हैं। मैं इसमें सफ़ेद कलर का लगा रहा हूँ।
ये एक्स्ट्रा फ्रेम हमें कट कर लेना है, तो बाकी जो उसको ऊपर से हमें लगा देंगे अलग से, ये लगा दिया, नीचे की साइड से हम कट कर लेंगे इसे। एंड जो एक साइड बची उस पर भी हम चिपका ले रहे हैं पेपर, ये चिपका लिया। अब इस पर फ्रंट लगा देना हमें पेपर, और पेपर फ्रंट हम लगा दिया, इसको कट कर लेंगे। इसको फ्रंट कॉर्नर के हिसाब से हमें कट करना है ताकि अंदर को फोल्ड होके चिपक जाए ये। इस तरीके से कट कर दिया, अब इसमें ग्लू लगाकर इसको फोल्ड करके इसमें चिपका देंगे। चारों साइड से फ्रेंड्स हमने लगा दिया, ऊपर वाली साइड में फ्रेंड्स पेपर लगा लेंगे हम। पेपर लगा लिया हमने, अब फ्रेंड्स ऊपर वाले सबसे ऊपर जो हमें गोल करके लगाना है, हमने एक पेपर ले लिया है इसमें लगा देंगे। दूसरा पेपर भी ऐसे चिपका लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने पेपर चिपका लिया, जो एक साइड से बचा हुआ है उसे भी चिपका लेंगे। देखिए अभी हमने चिपका लिया है, ऊपर वाली साइड से फ्रेंड्स हम इसमें लगा देंगे पेपर। ग्रीन कलर का पेपर लगा रहा हूँ फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स हमारा मक्का और मीनार बनकर तैयार हो चुका है, देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये। गाइस इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के लाइक 1000 कर दीजिए, तब हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक का बटन उसे दबा दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।